हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। तो जैसा कि आप लोग देखा था कि लास्ट वीडियो में हम लोग प्रेम मंदिर के दर्शन करने गए थे, और अगर आपने प्रेम मंदिर का वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर जाके देखिएगा। और आज हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने। वहाँ बोई कंस का कारागार है जिसमें श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, ले चलते आप लोगों को श्री कृष्ण की जन्मभूमि। चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हैं हम लोग हमारे गाड़ी के पास, और गाड़ी में बैठते और चलते श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि। ये हम लोग अब जा रहे हैं वृंदावन से मथुरा वाले रास्ते में। ये देखिए रास्ते के दोनों साइड में जो मंदिर दिख रहा है, ये है वृंदावन का बिरला मंदिर। बहुत ही अच्छा मंदिर है, हम लोग तो गए नहीं थे, लेकिन आप लोग आओ तो ज़रूर बिरला मंदिर घूमना। तो राइट साइड में देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि। जन्मभूमि तो हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या, होटल से निकले तो ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे कोई भी। तो यहाँ पे देखिए एक अंकल जी आंटी जी का दुकान है, तो हम लोग सोचा कि यहाँ से थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। देखिए हम लोग यहाँ से बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़े और पोहे खाए, और फिर चाय पी के हम लोग मंदिर की ओर चल दिए। पे रास्ते पे चलते हुए आप लोगों को दोनों साइड से बहुत सारी दुकान दिखेगा, तो आप लोग चाहे तो यहाँ पे अपनी मनपसंद की चीज़ें भी खरीद सकते हो। देखिए मंदिर की गेट पे हम लोग पहुँच गए हैं, और देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। और गेट पे पहुँचने के बाद हम लोगों को पता चला कि इस मंदिर के अंदर आप लोग कोई भी मोबाइल कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेके अंदर नहीं जा सकते हो। आपको सब कुछ मंदिर के बाहर टिकट लेके जमा करके जाना होगा। इसलिए मैं मंदिर के अंदर कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो आप लोग जब आएंगे इस मंदिर के दर्शन खुद ही ज़रूर कीजिएगा। कि
लिए हम लोग मंदिर के अंदर से हमारे घर के लिए एक छोटा सा गोपाल भी खरीद लिए हैं। इस वाले दुकान से देखिए हम लोग हमारे गोपाल के लिए एक छोटी सी प्यारी सी टोकरी खरीद रहे हैं। तो मंदिर के बाहर हम लोग आ चुके हैं और मैं आपको बताती हूँ मंदिर के अंदर कोई भी डिवाइस लेके जाना क्यों मना है। तो सबसे पहले जब आप लोग गेट से अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे कंस के कारागार का, जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसके बाद आपको एक बहुत ही बड़ा सा और सुंदर सा राधा कृष्ण का मंदिर दिखेगा, लेकिन ये वही मंदिर है जो आपने टीवी और न्यूज़ में देखा ही होंगे। काफ़ी विवाद के बाद रहता है क्योंकि ये मंदिर मस्जिद के साथ लगा हुआ है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे जो आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए वहाँ पे इतनी सारी सिक्योरिटी है और कुछ भी अंदर ले जाना सख्त मना है। तो अब हम लोग लेके चल रहे हैं आप लोगों को गोकुल के दर्शन करवाने। पहुंच चुके हम लोग गोकुल। यहाँ पे आप लोगों को गाड़ी रख के आप लोगों को पैदल ही जाना होगा। तो देखिए गोकुल की पतली पतली गलियों से चल के अब हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं नंद महाराज जी के घर पे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप लोगों को बजरंगबली मंदिर का दर्शन हो रहा है। आपके सामने है नंदालय द्वार, यानी कि यहाँ से शुरू होता है नंद महाराज जी का घर। अंदर आते ही आपको सबसे पहले आंगन के बीचों बीच दिखेंगे शिव जी। यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के बारे में बताते हुए बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई है, जैसा कि माटी खाई। ये उखल बंधन, यह माखन चोरी। यहाँ पे देखिए चारों धाम बने हुए हैं, श्री रामेश्वर, श्री जगन्नाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी और नर और नारायण। पे देखिए पुतुना राक्षसी के ऊपर कृष्ण जी कैसे बैठे हुए हैं। नंदालय के दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं यमुना घाट की ओर। यमुना घाट के तरफ जाते हुए आप लोगों को दीवार में कृष्ण जी की अलग अलग कहानियों का पेंटिंग बने हुए दिखेंगे।
वो देखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं यमुना घाट पे। आप लोग भी देखिए कितना सुंदर लगती है यमुना नदी। ले चलते हैं आपको यमुना जी के बिल्कुल पास में। और अगर आप लोग यहाँ तक मेरे वीडियो में बने हुए हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं यमुना जी के दर्शन करने। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को ये यमुना नदी कैसी लगी है। अब हम लोग जा रहे हैं प्राचीन नंद भवन के दर्शन करने। ये देखिए हम लोग नंद भवन पहुंच गए हैं और यहाँ के इसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। आप लोग भी इस मंदिर का दर्शन कीजिए। है मनोकामना पूर्ण करने वाली माता जी की मंदिर। करने के बाद अब हम लोग ये होटल में खाना खाने आ चुके हैं। खाना खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध रमन रेती के दर्शन करने। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे हिरण और अलग अलग तरह के और भी जानवर दिखेंगे, लेकिन अच्छे से पूरा रमन रेती मैं आपको दिखाऊंगी मेरे अगले ब्लॉग में, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। और उसमें मैंने अपने हाथों से हिरणों को खाना भी खिलाया। देखना मत भूलिएगा मेरे अगला ब्लॉग। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल अनुतमा ब्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।